बैक टू माय चैनल आरके बिरला ब्लॉग विटामिन से। और कल है करवा चौथ और मेरा शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी है कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैंने अभी तक मेहंदी वगैरह देखो कुछ नहीं लगाई और कल है करवा चौथ। एक तरफ इसके पापा के लिए चूरमा क्योंकि उनका मंगलवार का व्रत, और एक तरफ सेक रही हूँ बैगन क्योंकि बैगन का भरता बनेगा आज हमारे घर में, और श्री को देख रही हूँ क्योंकि दोनों भाभी ने लगा ली है मेहंदी और विहान वो रहा और श्री वो रही। तो बस जल्दी जल्दी करते हैं सारा काम, और आज बहुत सारा काम है, समझ लो मेरे पास कितना सारा काम होगा। मतलब अभी तक मैं ऐसी पहली, मुझे लगता है मैं ही ऐसी हूँ जिसने मेहंदी नहीं लगाई है, तो मुझे लगानी है मेहंदी, सब कुछ करना है। तो फटाफट से बनाते हैं खाना, जल्दी से किचन समेट के फिर लगाते हैं मेहंदी। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, अब मैं लगा रही हूँ अपनी मेहंदी हाथ पर, और पैरों पर मैं लगा चुकी थी और पैरों की मेहंदी सूख भी गई थी, तो मैं खुद से ही लगा रही हूँ क्योंकि मैं लगा लेती हूँ अपने एक हाथ पर, और हमेशा की तरह एक हाथ तो आपको पता है कि राजकुमार जी लगाते हैं, तो बस एक हाथ पे जल्दी जल्दी लगाएंगे मेहंदी। गए हैं 12 बज गए हैं रात के, और ये बच्चा अभी तक सोया नहीं है। मेरी श्री इतनी प्यारी है, वो सो गई है और ये अभी तक सोया नहीं है, और मैं अब लगाएंगे राजकुमार जी मेरे मेहंदी को। मेरे मेहंदी फेस वेस पर कहाँ लग चुकी है, और मैंने अपने खुद मेहंदी लगा ली है, एक हाथ पे दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी मेहंदी और ये भी मेरे पैरों की मेहंदी। 12 बजे टाइम मिला तुम्हें, इधर दिखा रहा शक्ल, 12 बजे टाइम मिला मेहंदी लगाने का। तो अब हमारे मेहंदी आर्टिस्ट लगाएंगे हमारे मेहंदी, जलेबी बनाएंगे और ये बनाएंगे इसमें जलेबी। क्या बनाओगे सांप से? और बनाओगे सांप? बना देते सांप, क्या बनाओगे? स्टार देख रही नहीं। ये देखो इस बच मेहंदी लगाते लगाते बज गया था एक, और अब मैं उठी हूँ 5 बजे, 5:10 हो रहे। मैंने बना ली है चाय क्योंकि फिर नहा के जो है मैं चाय नहीं पी पाऊँगी इसलिए, लेकिन मैं अभी सोऊंगी नहीं, अभी मुझे बहुत सारा काम है। देखते हैं सोऊंगी या बहुत सारा काम है। और ये राजकुमार जी ने मेहंदी लगाई थी, देखिए इतनी रात हो गई थी कि मैं शूट ही नहीं कर पाई, लगाते लगाते धीरे 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 लग। ये नहीं वो मेहंदी जो मैंने खुद लगाई है, और ये है इसका बैक फ्रंट। तो गाइस यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि दो बच्चों को देखना, उनको नहलाना, फिर उनको खाना वाना खिलाना, प्लस बीच बीच में तैयार होते उठ के उनको देखना, बच्चों के साथ बहुत रेडी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे 2 बज गए थे, मैंने कुछ नहीं किया। तो गाइस फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, और इतने मकसद के बाद जो मैं रेडी हुई हूँ, मतलब इतना ज़्यादा वो लग रहा था, मतलब पूछो मत। तो बस चलिए चलते हैं नीचे। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने पहना है ये बंदेज का जो है कुर्ते होते, सॉरी लहंगा पहना है, और नॉर्मल सा मेकअप किया, ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बाल मैंने ज़्यादा बनाए नहीं है, बालों का भी देखती हूँ मुझे क्या करना है। तो चलिए चलते हैं नीचे जल्दी से और पूजा करते हैं हमारी शुरू। मैंने अपनी शादी वाली चुन्नी जो है वो निकाल ली है क्योंकि वो निकालते हैं हमारे में, पहनते ओढ़ते हैं जब पूजा करते हैं तब। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद सबसे पहले मैंने रेडी करी है थाली क्योंकि 3 बज गए थे। मम्मी जी हो रही है रेडी क्योंकि मम्मी जी आई थी 3 बजे, और बहुत मतलब टाइम हो गया था, तो फटाफट से मैंने थाली रेडी करी। थाली रेडी करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे चौथ माता का कैलेंडर। लास्ट टाइम भी हमने यहीं पे लगा के पूजा करी थी, तो हमने इस बार भी सोचा हम यहीं पे लगा के पूजा करें। और पीछे से जो है राजकुमार जी मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि कैसे करना है, क्या नहीं करनी, मतलब कैसे माला लगानी है, टेप कैसे लेनी है। देखो मैंने कैसे टेप लगा दी साइड में, तो इससे बहुत ही काम मेरा जल्दी हो गया था। तो बस अब हम सब मिल के करेंगे पूजा, और हम यहाँ पर हैं वैसे 5 जने दिख रहे हैं, 1 जना और आ गया था, 6 जने हो गए थे हम टोटल। तो हम सब अभी इकट्ठे बैठ कर करेंगे पूजा। वैसे हमारे घर पे जो है सब गोला बना के पूजा करते हैं और थाली वगैरह घुमाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल सी जो है कहानी पढ़ूंगी मैं, फिर उसके बाद हम गणेश जी की आरती करेंगे, तो हमारी पूजा इस तरह से होती है।
करवा की ये बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अंत में आपको नहीं उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। उसको पठा दिया और उसके पति की दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है, व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने उसके पति की रक्षा करी, सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। अब चौथ की एक ही काफी है, इसमें एक ही है तो एक बड़ी मूवी सुना देगी ना। तब गणेश जी बोले कि अपने दो बेटे से भिक्षा मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा हम तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी पड़ोसी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। तब उस बुढ़िया ने बेटे और बहू पड़ोसियों की बात सुनकर सोचा जिससे बेटा और बहू मेरा सबका ही भला हो, मैं भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। जब दूसरे बच्चे गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया भाई क्या मांगती है, हमारा वचन जो तुम मांगेगी सो पाएगी। तो अब हम आ गए एंटी की छत पर सूरज देवता को अर्घ देने। तो नीचे से दिख नहीं रहा था इसलिए हम छत पर आ गए। लास्ट टाइम भी हमने यहीं पे चढ़ाया था जल, तो बस वो हो रहा, देखे सूरज देवता कितना अच्छा लग रहा है, लाल लाल सा। तो बस अब हम छुएंगे एक दूसरे के पैर, गले वाले मिलेंगे, पैर छुएंगे, उसके बाद जाएंगे नीचे। नीचे जाने के बाद ये लोग चाय वगैरह बनाएंगे। वैसे मैं चाय पानी कुछ नहीं पीती हूँ, मैं पानी पीऊँगी लास्ट में, यानी रात को ही राजकुमार जी के हाथ से। तो बस यहाँ पर जो है पैर वगैरह छू लिए हैं और अब हम जाएंगे, थोड़ा फ़ोटो वोटो सेशन होगा इधर, तो यहीं पे मैंने फ़ोटो वगैरह खिंचवा ली थी। अब जाके थोड़ा चैन मिला है, तो दिस इज़ माई आउटफिट, तो आपने मेरा देख ही लिया है। खैर मैं थका थका सा अब जाके, मुझे थोड़ा थका थका सा लग रहा है शरीर, और मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं सो जाऊँ क्योंकि मैं सुबह उठी थी जल्दी और कल भी उठना है जल्दी। टीका कैसे हो गया, तो बस चलिए बन रहे हैं छोले, रोटी सॉरी पूरी और बाहर से आएगी मिठाई, बस यही चल रहा है अभी। तो ऐसा जवाब है मुझे समझ में नहीं आ रहा, छोले पक गए, हाँ चबाए जा रहे हैं, ठीक है, नमक मिर्ची ठीक है, हाँ मिर्ची ठीक है, नमक मैं खाता हूँ मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब तुम्हारा हिसाब अलग है और सबका अलग है, बताओ जल्दी। हाँ हेलो, मैंने लगता है अपनी बीवी को बाहर ले जाना चाहिए, इधर देखो इधर, तो मैंने लगता है अपनी बीवी को बाहर ले जाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, गोलगप्पे खिलाना चाहिए। सुबह से तुम्हारे चक्कर में भूखे प्यासी, मतलब व्रत रखा है तुम्हारे लिए, तुमने रखा है, तुमने क्या क्या खाया सच बताओ। मैं रोटी मैगी सिंगाड़े रबिये छोले, देखा कितनी चीजें खा रहे हो तुम, तरस नहीं आ रहा मतलब बीवी पर, बोलो
तो बस यहाँ पर हम कर रहे हैं सब मिलके पूजा चौथ माता की। तो चौथ माता अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखे और सभी पे बनाए रखे। और पूजा करने के बाद जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा चांद भी निकल गया था, और इतनी जल्दी निकल गया था चांद, देख के इतनी खुशी हो रही थी मतलब, तो यार इतनी जल्दी निकल गया इस बार चांद। और फिर हमने करी पूजा, मैंने तो जैसे जहाँ अर्घ दिया था मैंने वहीं पूजा करी है। तो ये देखिए विहान पड़ रहा है, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। और श्री बैठी थी मेरे पास बिल्कुल चुपचाप होकर। तो बस अब हम यहाँ सब करेंगे पूजा, फिर करेंगे चांदा मामा की पूजा। ओ चांद को देखो हाथ में जोड़ू, करवा चौथ का व्रत में तोड़ू, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए। बना रहे हैं मेरे पति चाय। तो बस अपना व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। देखिए हमारी श्री है सो रही है, तो अब देखिए ये इनकी फेवरेट आदत है, ये सोती है और ये इसको परेशान करते हैं आकर। इनको मना करती हूँ मत करा करो, कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि सोते हुए बच्चों को कोई परेशान करे। तो बस अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।